हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो एक सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र है जो हम घर पर ही बनाएंगे और बिल्कुल इसकी कॉस्ट जो है वो जीरो कॉस्ट में बनेगा। तो दोस्तों, इस तरीके की हमारे पास कपड़े की थैलियाँ तो घर पर होती ही हैं, तो इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनका हम एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े की थैली ली है और ये इसकी लंबाई जो है वो 13 इंच के करीब है और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच के करीब है। और इसके ऊपर हम इस तरीके से पॉकेट का यूज़ करेंगे, पॉकेट लगाएंगे, और पॉकेट की जो चौड़ाई है वो भी 10 इंच के करीब है और इसकी जो लंबाई है वो 7.5 इंच के करीब है। और साथ ही हम इसके चावल का जो हमारा जो बोरी होती है चावल की, वो तो सबके घरों में होती है, तो मैं यहाँ पे चावल की बोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर डालने के लिए। और साथ ही मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की जो पन्नी होती है, प्लास्टिक की, ये ली है मैंने प्लास्टिक की शीट। इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच के करीब है और चौड़ाई इसकी 10 इंच के करीब है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ मैंने इसको ये 1.5 इंच के करीब मैंने इसके ऊपर से इसको मैंने गोलाई का एक निशान लगा लिया है, इसमें हम गोलाई डालेंगे। और यहाँ पर हम इसको 1/2 इंच के करीब छोड़कर इसको सीधे का सीधा जो है वो कट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से चारों तरफ से इस तरीके से गोल सिलाई लगा देंगे और साथ ही हम यहाँ पॉकेट को अटैच कर देंगे। दोस्तों, अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाते हैं हम ये जो प्लास्टिक की जो हमने ली है शीट, हम इसके ऊपर इसी से ही जो है वो पाइपिंग सेट करेंगे। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसको हम पाइपिंग लगा लेंगे, इसको हम सीधी की सीधी सिलाई लगा कर पाइपिंग लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये प्लास्टिक की शीट पे जो है पाइपिंग लगा ली है। तो चलिए अब इसी तरीके से हम यहाँ पॉकेट में भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इसकी जो पॉकेट हम तैयार कर रहे हैं, हम उसको भी पाइपिंग लगा कर तैयार कर लेंगे। तो चलिए पाइपिंग लगा लेते हैं। कैसे हमने पॉकेट में भी पाइपिंग लगा ली है और जो हमारी प्लास्टिक की शीट है हमने उसमें भी पाइपिंग लगा लिया। तो चलिए इसको हम अटैच करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, हम इसको पिन के साथ जो है वो सेट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई सेफ्टी पिन है तो आप सेफ्टी पिन से भी सेट कर सकते हो, ताकि ये हमारी जो पॉकेट है वो सिलाई करते वक्त हिले ना। तो चलिए दोस्तों, हम इन दोनों पॉकेटों को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। मैंने पॉकेट को अटैच कर लिया है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको प्लेन भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर एक लैस जो है वो लगा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको लैस लगा के दिखाती हूँ। ये लैस जो है हम रनिंग स्टिच से लगा सकते हैं, या अगर आप चाहो तो आप मशीन से भी लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये हमने जो प्लास्टिक की जो शीट लगाई है, हम इसके ऊपर भी जो है अपनी लैस लगा लेते हैं। डेकोरेशन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये हमने एक पाइपिंग जो है काट ली है, ये मैंने रेप काटी है, जैसे हम सूट पे गले में लगाते हैं गोलाई में, तो हमको ये गोलाई शेप देनी है, इसलिए ये मैंने रेप पट्टी काटी है। तो इसको अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो यहाँ चारों तरफ दोस्तों मैंने पाइपिंग जो है लगा ली है और इसको डेकोरेशन करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ बीट्स ले रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर एक फ्लावर बनाऊँगी। तो चलिए आगे कर। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं एक फ्लावर बना रही हूँ इसके ऊपर लगाने के लिए। तो फ्लावर को हम इस स्क्वायर शेप में एक ले लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको एक फोल्ड और करेंगे और इसी तरीके से हम इसमें 3 फोल्ड करेंगे। और यहाँ से मैं इसको गोलाई से काट दूँगी। ये हमारे पास एक फ्लावर बन के रेडी है। तो हम इसको अब इसके ऊपर चिपकाएंगे।
चलिए दोस्तों यहाँ मैंने थोड़ी सी फेविकोल लगा दिया और इसको मैं यहाँ पर चिपका दूँ और इसके ऊपर मैं एक स्टोन लगा देते हैं। तो चलिए मैं आपको बाकी का इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे इसको बीट्स से डेकोरेट करेंगे। ये मैंने कुछ मोती लिए हैं तो मैं यहाँ पर इसको डेकोरेट करूँगी इससे। तो चलिए दोस्तों ये हमारा मोबाइल चार्जिंग स्टैंड जो है बनकर बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल जीरो कॉस्ट में है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये आपको कैसे लगा।